बचपना अगर बचा के नहीं रखोगे तो आप सब भी यहाँ पे क्यों आए हैं यार? हम सब बच्चे हैं दिल में कहीं ना कहीं, और ये जो आज फंक्शन हो रहा है ये बच्चा होने का सेलिब्रेशन है और ये बच्चों के लिए है, इसीलिए हम सब यहाँ पे आए हैं। आप सही कह रहे हैं कि बच्चों के लिए बहुत कम फिल्में बनती हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम्स भी अब बनने लगे हैं जो बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं, और अब जो है वो बच्चे जो है वो सारे मार्केट पे रूल कर रहे हैं। तो ये सब बदलाव आने वाला है, बच्चे सेंटर स्टेज लेने वाले हैं। थैंक यू। अभी बहुत ही लंबा जवाब होगा, बट आई थिंक वेरी क्विकली काफी कुछ बदल गया है, बट काफी कुछ भी नहीं बदला है। आई थिंक जो बदला है कि जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज हुई थी तो क्रिटिकली हमको इतना अक्लेम नहीं मिला था, पर उसके बाद आलिया को क्रिटिकली बहुत ज्यादा अक्लेम मिला। व्हाई मिस्टर आलिया को क्रिटिकली ज्यादा? बिकॉज़ मुझे नहीं मिला इतना। तुम्हें मिलेगा, आई थिंक शी गॉट सो मच अक्लेम। मुझे हाँ जनता का प्यार मिला, बच्चों का प्यार मिला। अब आप एक और फिल्म साथ में कर रहे हैं, कौन सी? किसने बोला आपको? जो बच्चे होते ना वो दिमाग के कच्चे नहीं होते, तो ये कैमरा पे नहीं बोल सकते ना जो हरकतें होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। नो इट्स आई थिंक अच्छा है जब कपड़ों की फिटिंग करनी पड़ती है तो खुद की जो कुछ टाइट करना, तो मैं खुद ही मार देता हूँ डांट और खुद ही फिटिंग कर लेता हूँ अभी, सो इट्स कम इन यूज फॉर दैट। थैंक यू। बस सर मैं तो बच्चों के लिए फिल्में करता हूँ। हाँ, बच्चों पर फिल्म मतलब उसके लिए बच्चा बनना पड़ेगा। हाँ, लाइक दैट आई थिंक डेफिनेटली होनी चाहिए। आई थिंक जो अक्टूबर आ रही है फॉर दैट इज क्वाइट यूथ सेंट्रिक एंड बच्चों के लिए ही है वो फिल्म। एक बार बिफोर यू लीव, आपका इस बार जो दोनों फिल्में आई दोनों ही सफल रही और दोनों ने अच्छा 100% रिकॉर्ड ओनली एक्टर ऑफ दिस ईयर। थैंक यू सर, थैंक यू। आई थिंक बच्चों का की दुआ है, आलिया और बच्चों का दुआ है। आलिया आपका आलिया बोलेगी। व्हाट अबाउट योर फिल्म? व्हाट अबाउट माय फिल्म? क्या has been appreciated? Yes, I'm very excited. और जब मैंने परफॉर्म भी किया बच्चे बहुत खुश हो गए। बद्रीनाथ की दुल्हन स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड शी इज बाय। हां तो गोलमाल क्या था बे? बच्ची हो मैं जो मेरी फिल्म है, मैं अपनी फिल्मों जो गोलमाल जैसी फिल्में जो बनाता हूँ मैं, उन्हें ये ऑडियंस मैं सोचता हूँ कि वो मेरी बच्चों के लिए ही है वो फिल्म। फैमिली ऑडियंस, जब फैमिली कहता हूँ तो उसका मतलब ये है कि उसमें बच्चे भी आ गए। सो मेरे लिए ये है कि जो बच्चों के लिए फिल्म बनाना है वो गोलमाल, मैं उसी को मानता हूँ कि गोलमाल मैं बच्चों के लिए बनाता हूँ। कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद मिले आप यहाँ पे। आज पहली बार किड्स शो में आई हूँ, किड्स चॉइस अवार्ड्स में आई हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वंडरफुल इवनिंग। लगता है काफ़ी सारा फन होने वाला है यहाँ पे। आई यूज्ड टू वॉच टॉम एंड जेरी अ लॉट, सो दैट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट्स। टिंटिन, येस आई यूज्ड टू रीड द कॉमिक एंड आर्ची राइट, सो वो पढ़ती थी। सो या विशिंग ईच एंड एवरी व्यूअर्स ओवर हियर अ वंडरफुल हैप्पी न्यू ईयर।